नरेंद्र मोदी ने अदाकार की डांट डपट क्यों की और किस अदाकार की वजह सामने आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान सुल्तान। बॉलीवुड सीनियर अदाकार और रहनुमा बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को फालिज का हमला होने की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मिथुन चक्रवर्ती के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉल करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। भारतीय वजीर आजम ने अदाकार को सेहत का ख्याल ना रखने पर डांट पिला दी। मिथुन चक्रवर्ती सीने में दर्द की शिकायत के बायस कोलकाता अस्पताल में जेर इलाज थे, जिन्हें सेहत याब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अदाकार के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है और जल्द ही आने वाली फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। सीनियर अदाकार फालिज का शिकार हो गए थे, उन्हें सीने में बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया था। मिथुन चक्रवर्ती 1976 से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और उन्हें भारत के आला अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय अदाकार की आखिरी फिल्म 2023 में काबलीवाला सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। मिथुन चक्रवर्ती डिस्कोस डांसर, जंग और प्यार में झुकता नहीं जैसी मकबूल फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके।